नमस्कार बाल दोस्तों, श्री गौतम बुद्ध प्राथमिक शाला कुलसर भावनगर से मैं मकवाना धर्मेश भाई आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का हिंदी विषय का एक काव्य जिसका नाम है जब याद तुम्हारी आती है का अभ्यास करते हैं। बच्चों, इस कविता के कवि है श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। प्रकृति के प्रणेता ऐसे राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति के ऊपर बहुत सारे काव्य लिखे हैं। उनमें से एक उनका यह सुप्रसिद्ध काव्य जब याद तुम्हारी आती है को आज हम समझने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इस काव्य का गान सुनते हैं और उसे याद करने का प्रयत्न करते हैं। देखा, सुना आप लोगों ने, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता में कवि ने इस धरती की रचना करने वाले सृजनहार यानी कि प्रभु को याद किया है और जब जब उनको याद करते हैं तब हमें अपने ईश्वर अल्लाह या हम जिसे मानते हैं उनकी याद आ जाती है। बच्चों, यदि आप इस काव्य को सुनना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके भी आप सुन सकते हैं। दोस्तों, इस काव्य के सबसे पहले शब्दार्थ की समझ प्राप्त करते हैं। इस काव्य में आने वाले शब्दार्थ है चिड़िया यानी पंछी, पक्षी,
लहर यानी तरंग, झोंका यानी सृजनहार यानी सृष्टि की रचना या सृजन करने वाला, प्रभु हरियाली हरा भरा, ढोना यानी बोझ उठाना। तो ऐसे बहुत से शब्द इस काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। इसके अलावा आप अन्य शब्दों की भी सूची बना सकते हैं। बच्चों, इस काव्य के गान के बाद आपको यह काव्य ध्यान से पढ़ना है। इस काव्य में जो चित्र दिया गया है उसमें मोर, बादल, पंछी और बहुत से ऐसे प्रकृति के तत्व दिए गए हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। बार बार इस काव्य में राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस सृजन करने वाले प्रभु को याद किया है, और कब कब उनको प्रभु की याद आती है उनके बारे में भी बताया है। बच्चों, अभ्यास में देखें तो यहाँ पर प्रश्न एक में प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी कि इन प्रश्नों के आपको मौखिक उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? बच्चों, जब सुबह होती है तब क्या क्या होता है, सोचिए। हाँ, आप सही है। जब सुबह होती है तो चिड़िया उड़ने लगती है, इस प्रकार से बहुत सी प्रक्रियाएं होती है, तो उनको याद करके यहाँ आप लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है, सोचिए, और अपनी पाठ्यपुस्तक का भी उपयोग आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही, अपनी तरह से जो प्रश्न आपने लिखे उनका उत्तर यहाँ पर लिखिए। तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है? बच्चों, आपको प्रभु की, ईश्वर की, अल्लाह की कब याद आती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा प्रश्न, आप सुबह में उठकर क्या क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे सामने बहुत से प्रकृति के तत्व आते हैं, तो इस प्रकार आप सुबह होते ही क्या क्या देखते हैं उनकी याद यहाँ पर बनाइए। प्रश्न दो, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। बच्चों, कुल दो प्रकार के वचन हैं, एक वचन एवं बहुवचन। तो यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें एक वचन शब्द का उपयोग हुआ है और कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बहुवचन शब्दों का उपयोग हुआ है। तो आपको चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र देखकर आप समझ जाएंगे कि यह शब्द एक वचन में है या बहुवचन में। तो आपको क्या करना है, वाक्य को बदलकर उसमें प्रयुक्त शब्द का परिवर्तन करना है। एक वचन है तो बहुवचन, और बहुवचन है तो एक वचन करना है। मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं, लेकिन आपको अपनी तरह से भी लिखना है। पहले प्रश्न का उत्तर है, चिड़िया उड़ रही है। दूसरे शब्द का उत्तर है, कलियाँ खिल रही है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, बूंदे गिर रही है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, दरवाजा खुला है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, लड़की खेल रही है। तो बच्चों, आपको इस प्रकार उसके उत्तर लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द को अलग किया गया है, आपको क्या करना है, इन अलग अलग शब्दों को इकट्ठा करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। देखिए, अर्थपूर्ण बनाना है तो इन शब्दों को इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह कर आप बदल कर उनको अर्थपूर्ण वाक्य में परिवर्तित कीजिए। बिल्कुल, मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किए हैं, आप अपनी तरह से भी प्रयत्न कीजिएगा। जैसे पहला वाक्य बनता है, जल ही जीवन है। दूसरा वाक्य बनता है, फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा वाक्य, बादल में
बिजली क्यों चमकती है। दोस्तों, इस प्रकार आपने इस काव्य का भावार्थ लिखना है। जो आपने समझा, जो आपने महसूस किया, उस भावार्थ को अपनी पाठ्यपुस्तक के साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखना है, यानी कि अपनी बुक में लिखना है। तो फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।